मॉर्निंग क्लास 6C VSC आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो एक्सरसाइजेस को, क्योंकि जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए दो दो एक्सरसाइज के हम दो वीडियोज में आपको समझा दे जाए, आपका ये चैप्टर समाप्त होने के साथ साथ आपके लिए कोर्स भी समाप्त हो जाए। चलिए ये देखते हैं, तो पहले डिस्कस करते हैं 8.3 एक्सरसाइज। इसमें क्या दिया हुआ है, आइए देखें। तो इसमें हमें फाइंड करना है ग्रेटर लेस और लेस, डेसिमल डिजिट में अब ग्रेटर है लेस है या इक्वल टू है ये बताना। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे ये देखते हैं। लिखा हुआ है 1 और 0.99। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 बाई 10 प्लस 0 बाई 100। ब्रैकेट 99 को 0 बाई 0 प्लस 9 बाई 10 प्लस 9 बाई 100। देखो पहले हम डेसिमल के पहले का नंबर्स को देखते हैं, तो डेसिमल के पहले के नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कंपेयर कर दिया। रीज़न क्या है कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्लेस का जो नंबर है 1 है और जो यहाँ पे 1 प्लेस का नंबर वो 0 है, तो हमें कंपैरिजन कर लिया क्या है 0 से ग्रेटर होता है 1, तो मीन्स कौन सा नंबर ग्रेटर है, मीन्स ये नंबर ग्रेटर है, ठीक है। और मीन्स इसको हम अच्छे से एलिब्रेट करें तो 1 इज ग्रेटर देन 0.99, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि 1.09 और 1.09 दी 1.09 और 1.093 1.09 क्या लिखेंगे, 1 बाय 1 प्लस 0 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 ब्रैकेट 1 प्लस 0 बाय 10 प्लस 9 बाय 100 प्लस 3 बाय 1000। यहाँ पे है 0 बाई 1000। पहले हम डेसिमल के पहले कंपेयर करेंगे तो 1 ये भी 1 इक्वल है, फिर 10th प्लेस पर ये भी 0 है, ये भी 0 है इक्वल है, 100th प्लेस पर ये भी 9 है, ये भी 9 इक्वल है, और 1000th प्लेस पर देखेंगे तो 0 है, यहाँ पे क्या है 3 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द अनदर नंबर, क्लियर। हमने जब कंपेयर किया इन दोनों नंबर के बीच में ग्रेटर कौन है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि 1.093 इज ग्रेटर देन 1.09। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1.23 और 1.2 कंपेयर करिए, 1.23 और 1.2 1.23 पर 1 प्लस 2 बाई 10 प्लेस वैल्यू टेबल की बताई गई प्लस 3 बाई 100 और ब्रैकेट में उसके बाद फिर क्या है 1.2 क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाई 10 प्लस 0 बाई 100। कंपेयर करिए 1 के इक्वल है, 2 बाई 10 के इक्वल है, 3 बाई 10 है यहाँ पे सॉरी 3 बाई 100 यहाँ पे क्या है 0 बाई 100, ये जो है स्मॉलर, इसका मतलब ग्रेटर नंबर क्या है 1.23 इज ग्रेटर देन 1.20 या भी 1.2 ही लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है कि आप छोड़ भी सकते हैं, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस जो आपको कहते हैं कैसे निकालना है, पता कैसे करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, ठीक है।
एक बात है, आप ऐसे देख कर भी समझ पाते हो, लेकिन ये कंपैरिजन सिखाया इसीलिए गया है कैसे हम कंपेयर रियली करते हैं, ठीक है, देख कर भी पता कर सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है, क्योंकि आपने लगातार बहुत दिनों से प्रैक्टिस की है इस कारण से। चलिए आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, फिर जो है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है 1.5 और 1.50 क्या लिखेंगे, 1 प्लस 5 बाई 10 प्लस 0 बाई 100 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाई 10 प्लस 0 बाई 100 कंपेयर करिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सभी नंबर इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, कोई भी नंबर ग्रेटर नहीं है, दोनों नंबर क्या है एक दूसरे के बराबर है, इक्वल। चलिए लास्ट वन देख लेते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज 8.3 को, फिर उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे 8.4 को इसी वीडियो में। लिखा हुआ है 5.64 और 5.063 चलिए 5.64 क्या लिखेंगे, 5 प्लस 6 बाई 10 प्लस 4 बाई 100 ब्रैकेट प्लस लिख सकते हो आप 0 बाई 1000 इधर 5 प्लस 0 बाई 10 प्लस 6 बाई 100 प्लस 3 बाई 1000 ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, ये 5 इस 5 के इक्वल है, ये 6 है यहाँ पे 6 बाई 10 और यहाँ पे 0 बाई 10 है जो कि इक्वल नहीं है, तो यहीं से हमें हिंट मिलेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5.64 इज ग्रेटर देन 5.063 ठीक है। हर एक डेसिमल डिजिट्स को आप क्या है, चाहे डेसिमल नंबर, डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उनको, चाहे डेसिमल के पहले जो नंबर्स हैं उनको, आप सभी को कंपेयर करते हैं, तब जाके आपको एक सही एग्जैक्ट आंसर मिलता है कौन सा नंबर ग्रेटर है या स्मॉलर है। चलिए अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, जो है हमारा क्या 8.4, चलिए उसको देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है 8.4 एक्सरसाइज, इसमें है कन्वर्टिंग यूनिट्स इन डेसिमल फॉर्म, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स, डेसिमल फॉर्म। चलिए तो ज्यादा इसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन तभी हो पाया जब कुछ क्वेश्चन से बात करेंगे, तो एक क्वेश्चन एक ले लेते हैं, कह रहा कन्वर्ट रुपीज इनटू डेसिमल, लिखा हुआ 50 रुपीज 90 पैसा, 50 रुपीज 90 पैसा को कन्वर्ट करना है किसमें, रुपीज, आपको पता है ये ऑलरेडी रुपीज में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कन्वर्ट किसे करना है, इस 90 पैसा को कन्वर्ट करना है, आपको पता होना चाहिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, तो 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100 पार्ट ऑफ रुपीज कितना होता है, 1 पैसे की इक्वल होता है, तो 90 पैसे कितना होगा, तो 90/100 जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.9, ऐड कर दीजिए 50 रुपीज प्लस 0.9 तो हो जाएगा 50.9 रुपीज, ठीक है।
आपने रुपयों में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता था क्या कि एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो एक पैसे में कितना रुपए होगा, तो 1/100 पार्ट ऑफ रुपीज होगा इक्वल टू 1 पैसा। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया, पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लिया, फिर रुपीज में ऐड कर दिया, तो पता चल गया डेसिमल में कि क्या रुपए कितना है, पैसा कितना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। लिखा हुआ है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होगा, 1/100 पार्ट ऑफ मीटर के इक्वल होगा। चलिए 45 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि ऑलरेडी 2 मीटर तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, 45 सेंटीमीटर है जिसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 45 सेंटीमीटर को हम अगर चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 45/100 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.45। आंसर आएगा 0.45, ऐड करिए 0.45 मीटर, 2 मीटर प्लस 0.45 मीटर, मीटर इज इक्वल टू 2.45 मीटर। ये आपका जो है लेंथ आपने जो है किसमें कन्वर्ट कर दिया है, पिछला जो आपने कन्वर्ट किया था किसको कन्वर्ट किया था, करेंसी को मींस या फिर आप रुपए को पैसे रुपए पैसों को रुपयों में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे आपने क्या किया है लेंथ को कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा लिखा हुआ है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स की मदद से सेंटीमीटर में उसे कन्वर्ट करना। चलिए इसको फटाफट समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, तो फिर आखिरी में एक चीज आपको समझाना है, कई बार समझाया ही गया है, फिर से एक बार आपको समझा दिया जाता है। चलिए लिखा हुआ है 164 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होगा 10 mm। ठीक है, तो 1 mm इक्वल टू क्या हो जाता है 1/10 cm। तो कन्वर्ट करिए तो हो जाएगा 164 mm हो जाएगा 164/10 मीन्स 16.4 cm। ठीक है, आपने बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लिया इसमें सेंटीमीटर में। चलिए आइए देखते हैं अगला लिखा हुआ है, कह रहा है एक्सप्रेस किलोमीटर यूजिंग द डेसिमल, डेसिमल्स की मदद से क्या है किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना है। चलिए उसे देख लेते हैं। तो 888 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/1000 पार्ट ऑफ केजी। तो 888 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 888/1000, जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.888 क्या किलोमीटर। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक्सप्रेस केजी यूजिंग डेसिमल, केजी को डेसिमल के रूप में चेंज करो, कितना लिखा हुआ है 26 केजी एंड 50 ग्राम। आपको पता है कि 1 केजी किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000, तो 50 ग्राम इक्वल टू 1/1000, तो क्या हो जाएगा 0.05। ठीक है, ऐड करिए 26 केजी प्लस 0.05 केजी इक्वल टू आंसर आ जाएगा 26.05 केजी। ठीक है, बड़ी आराम से आपने कन्वर्ट कर लिया, क्या है यूनिट्स को चेंज कर लिया। चलिए थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा आइए देखते हैं। ये आपको समझना बहुत आवश्यक है, जैसे कि हम वेट जो नापते हैं मास, इसमें नापते हैं ग्राम, यूनिट क्या रहता है ग्राम, लेंथ मीटर, और किसी लिक्विड को वॉल्यूम कैसे नापते हैं, तो वो है हमारा लीटर। अब यहीं पे यूनिट्स जुड़ गए, इधर ले लेते हैं यूनिट्स, किलो हेक्टो बेका यूनिट, फिर डेसी, फिर उसके बाद सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो भी जाता है, आप उसको और आगे भी देखेंगे। जब किलो के साथ लीटर लगेगा तो क्या हो जाएगा, किलो लीटर हो जाएगा, हेक्टो के साथ लीटर लगेगा तो क्या हो जाएगा, हेक्टो लीटर हो जाएगा, डेका के साथ लीटर लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेका लीटर हो जाएगा, बेसिक के साथ लीटर लगेगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी यूनिट उसके बाद क्या है, यूनिट हमारा जो है लीटर, फिर आएगा लीटर, फिर आएगा डेसी के साथ लीटर लगेगा तो क्या हो जाएगा, डेसी लीटर हो जाएगा, फिर सेंटी के साथ लीटर सेंटीलीटर, मिली के साथ लीटर तो मिली लीटर। अब यहाँ पे देख लीजिए तो हो जाएगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, ग्राम में किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम और ग्राम, उसके बाद फिर है डेसी ग्राम, फिर उसके बाद क्या है सेंटीग्राम, फिर उसके बाद है मिलीग्राम। तो ये आपने अलग अलग यूनिट्स को देखा। ठीक है, तो जब हम एक पायदान ऊपर चढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम एक पायदान नीचे उतरेंगे किसी यूनिट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे जंप कर गए यहाँ पे उतरे डायरेक्टली, तो यहाँ पे कितने पायदान होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 10 करोगे कितना हो जाएगा। ठीक है, करिए, यहाँ 5000 नहीं होगा, क्या होगा, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 10 × 10 = 100, 100 × 10 = 1000, 1000 × 10 = 1 lakh, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 100, 1000, 10000, 1 lakh, तो 10, 20, 30, 40, 50, 150। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी यूनिट में चेंज करना होगा तो आपको पता करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें 8.5 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज का जिक्र रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।